बोले थे रहे इनको हमारे साथ बोले नहीं। फिर वो मेरी अकेले की आवाज भी छूटी पड़ गई, बल्कि मेरे अपने भी मेरे खिलाफ बोल पड़े, क्या करें किधर जाए। बस मैं दुआ ही करूंगा मुफ्ती साहब अल्लाह ने सुन्नत को इत्तेहाद रखा, अल्लाह हमारे सीने असर से पाक कर। तो मैंने अपना मेरा जमीर मुत नहीं है सुबह, कल ना मैं सिद्दीक अकबर की बारगाह में बतौर मुजरिम जाऊंगा ना मौला अली की बारगाह में बतौर मुजरिम जाऊंगा। मैंने अपना हक अदा कर दिया, मैं बोल उठा हूं, मैंने अपना हक अदा कर दिया। अली वर्गा जमाने के को पीर वफा था ना, अली बाज मोहम्मद का कोई, मैं बोल पड़ा हूं, मैंने अपना हक अदा कर दिया, सबने अपना अपना जवाब दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कल मैं मौला अली की बारगाह में बतौर मुजरिम नहीं हूं, साथ बोलेंगे। फिर मुझे अकेले की आवाज भी झूठी पड़ गई, बल्कि मेरे अपने मेरे खिलाफ बोल पड़े। मैंने अपना हक अदा कर, मैंने अहले बैत की गुलामी, मैंने उस घर की नौकरी कर दी है, मैंने अवाम को बता दिया मेरे मौला अली के कितने वीर हैं, मैंने अवाम को बता दिया मेरे हुजूर नबी अलैहि सलाम के कितने वीर हैं। ना मैं नासबी हूं ना मैं खारजी, मैं तो उनके नौकरों का भी नौकर हूं। लेकिन रजी इस वक्त इत्तेहाद की गई है, नहीं तो वो गोल खेलेंगे तो बस फिर हम अपने घरों में बैठ के रोई करेंगे। ठीक है, अल्लाह सबको सलामत रखे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला, वो लिखा है बस दो बार बगदाद शरीफ में ना कोई चोर आ गया, उसने हजरत जुनैद बगदादी का जाहो जलाल देखा, उन्हें कर लाया भाई वाह माल। उसने इरादा कर लिया शहर के घर में चोरी करनी, हजरत नमाज पढ़ने के लिए गए, उसने दीवार को लांघी आपके घर आ गए, उसे की सी फकीर का उसका कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने कहा जाना मैंने भी नहीं। बड़ी तलाश के बाद ना उसको हजरत जुनैद बगदादी का कुर्ता मिल गया, कुर्ता लेके ना बाजार गया बेचने, दुकानदार को कहता है कुर्ता खरीद ले, वो कहता है जी कुर्ता तो मैं तब खरीदूंगा पहले इस बात को गवाह लेके आके कुर्ता तेरा अपना। उसने चोरी किया था लगभग और कहां से लगता, दूसरी तीसरी चौथी पांच मुख्तसर करते करते ना उस दुकान पे आ गए जो मस्जिद के बिल्कुल सामने। उसे बहस उसकी हो रही थी, वो कह रहा था यार मैंने कुर्ता यहां से खरीदे बगदाद शरीफ, मैंने तो कुर्ता शाम से खरीदा, क्या मैं शाम से गवाह लेके आऊं, तो मैं कह रहा हूं कुर्ता मेरा है तो खरीद ले, वो कह रहा मैं तो खरीदूंगा नहीं, जितनी देर तू गवाह नहीं गाया जाएगा कुर्ता तेरा अपने, उतनी देर में जो मैं दे बगदादी नमाज पढ़ के बाहर निकला, शोर सुना तो क्या देखते हैं कोई शख्स है उसके हाथ में आप ही का कुर्ता है। वो दुकानदार को कह रहा खरीद ले, वो कह रहा गवाह लेके आ, वो कह रहा गवाह नहीं है। अब गए दुकानदार के पास, उसको जाके कहते हैं यार ऐसे गुरु कुर्ता दे रहा है, मैं गवाही देना मतलब कुर्ता है भाई, गए वो रंग गए। आखिरी बात पर मैं इजाजत चाहूंगा, ये रंग कहां से आए, ये रंग मेरे महबूब के रंग है। कला खुलो के नाबीना रहमत लिखा है कि जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत और पहला दिन। अब जैसे ही मसनद खिलाफत पे जलवा फरोज हुए एक छोटी सी बच्ची आ गई, पहला मसला जो सिद्दीक अकबर की बारगाह में आया, और उसने आके ना रोना शुरू कर दिया। आपने पूछा क्यों रो रही है, वो कहती मैं इसलिए रो रही हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमा दिया। हमने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह हुजूर का मिसाल है तो फिर तुझे क्या बताऊं कि इस वक्त अबू बकर का क्या हाल है। वर्ज करती है नहीं, एक वजह और भी है, आपने फरमाया बोल देता। वर्ज करती है खलीफा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जीते, मेरी माँ भी नहीं, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं, घर में सिर्फ एक रहती है, बूढ़ी भी है, आंखों से अंधी भी है, हमारे पास कुछ बकरियां हैं जिनका दूध बेच के ना हम गुजर बसर करते हैं। दादी मेरी बूढ़ी भी है अंधी भी है, वो तो दूध निकाल नहीं सकती, मेरे छोटे छोटे हाथ है, मैं अगर चाहूं भी तो निकाल नहीं सकती। रो इसलिए रही हूं कि जब तक हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमें मौजूद थे, अब रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते थे, हमें बकरियों का दूध निकाल कर दिया करते थे। रोज की रही है जो बंद सलाम का दो साल हो गए, अब हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा। देखिए अकबर रो पड़े,
روح اس بچی کو آگے سے جواب فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا تو رونا. حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا. ہماری ہی مدد ہم کیا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. صاحب صاحب بھی جلوہ کر رہے ہیں, مفتی صاحب ہیں, علماء کی کثیر تعداد ہے. ایک طالب علم ہوں, سیکھ رہا ہوں, ابھی جیسا جملہ کہہ گیا کوئی ایسی بات کہہ گیا تو معافی دینی اور میری اصلاح بھی فرمانی ہے. اور ہم تو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نے سنت کو اتحاد عطا فرمائے. اسلام کے دو شعر, اس کے بعد انشاءاللہ ابھی صفوا فرمائیں گے اور بیعت فرمائیں گے. جو مریدین ہیں وہ رکیے تشریف رکھیے, اور جو قبلہ کا مرید ہونا چاہتا ہے وہ بھی رکیے کھڑے. جو مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بزم ہدا جی سوہانی چمکاتا ہے باقا چاند جی